इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही, हरियाणा में सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वहीं सरकार की किसान योजना किसान हित में ही बल्कि उन्हें लूटने का काम करने के लिए शुरू की गई है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भय का माहौल बना हुआ है, जनता सुरक्षित नहीं है, जिससे साफ है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जनता से माफी मांगनी चाहिए। वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार उसको सम्मान दिवस के साथ साथ सद्भावना सम्मान दिवस के रूप में मना रहे हैं। सद्भावना इसलिए जरूरी हो गया कि इस प्रदेश का माहौल पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के खराब करने का प्रयास किया। आज तो शरेआम गोलियों से उड़ा दिए जाते हैं, भून दिए जाते हैं और सरकार फिर ये कहती है कि ये तो आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खत्म होती जा रही है। हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। आज तो शरेआम गोलियों से उड़ा दिए जाते हैं, भून दिए जाते हैं और सरकार फिर ये कहती है कि ये तो गैंगस्टर थे, इनके तो आपसी झगड़े और विवाद थे। अगर आपको ये पता है कि ये लोग गैंगस्टर हैं, ये गलत काम करने वाले लोग हैं, तो फिर आपने उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया, आपने ऐसे लोगों को पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी। जो लोग इस तरह का भय का माहौल पैदा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय कार्रवाई करने के अपना पीछा छुटाने के लिए कह देते हैं कि ये तो गैंगस्टर थे, ये तो वार गैंग थी, ये आपस के इनके पुराने झगड़े थे, इसकी वजह से हुआ है। ये सारी की सारी जिम्मेवारियां सरकार की होती है कि इस तरह के हालात किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर हों तो उसको पहले से काबू किया जा सके। उसको काबू करने की बजाय उसको इस तरह से प्रचारित करके टाल दिया जाता है। हैरानी की बात है, हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि जाट आंदोलन कोई बड़ा इशू नहीं था। हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि बीफ का मामला जो था वो कोई इशू नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भी कह देते हैं कि डिंगरहेड़ी गांव के अंदर दो लड़कियों के साथ जो बलात्कार हुआ और उसके घर के दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जो बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक बात है इस प्रदेश के लिए। आम आदमी जब इस तरह की बातों को पढ़ता है तो वो 100% ये सोचता है कि इस प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। घर में घुस करके अगर किसी पे दो व्यक्तियों को मार दिया जाए और उनके बच्चों से रेप किया जाए तो फिर मान के चलो कोई व्यक्ति सुरक्षित मंत्री बनाया जाए जो कम से कम प्रदेश के लोगों की हिफाजत कर सके, प्रदेश के लोगों को सुख सुविधा प्रदान कर सके। अभय चौटाला ने अनिल विज के दो मुंह सांप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी जनता को लड़ाने का काम करती है और इनेलो जो मुंह सांप नहीं है बल्कि कांग्रेस बीजेपी ही नागनाथ और सांपनाथ है जो जनता को डसने का काम कर रही है। वहीं अनिल विज दिखावे के लिए ये सब करते हैं, उनके पास पावर नहीं है जिससे वो अधिकारियों को अपने कंट्रोल में कर सके। वहीं अभय ने गुड़गांव में हुए गैंगस्टर की हत्या के ऊपर भी सवाल उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि सरकार आम लोगों को गैंगस्टर बताकर मार रही है। कहीं ना कहीं हमारे एमएलए को कोई ना कोई लालच लोभन देकर के मुख्यमंत्री ने प्रयास किए कि एक आधे एमएलए को मैं अपने साथ बैठा लूंगा तो इंडियन नेशनल लोकदल कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन शायद खट्टर साहब को इस बात का पता नहीं है, जब कभी भी किसी ने भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के किसी कार्यकर्ता और नेता को अपने साथ बैठा करके पार्टी के खिलाफ किसी गतिविधि में शामिल किया उस पार्टी का अंत बहुत बुरा हुआ है। इससे पहले चौधरी बंसीलाल ने भी एक प्रयास किया था, हमारे दो एमएलए ले गया था तोड़ के और 3.5 साल में सरकार को बाहर होना पड़ा था। खट्टर साहब को भी सोच लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त उनकी भी सहयोगी थी और सहयोगी रहते हुए हमने उनको पटकनी दी थी। ये अगर हमारे एमएलए या हमारे किसी नेता को लालच लोभन प्रलोभन दे करके इस किस्म के प्रयास करेगा तो आज इनकी पार्टी की तो हालत ऐसी है, यहाँ तो सब 36 जगह पे बटे हुए लोग हैं, सब एक दूसरे को सारा दिन गालियाँ देते हैं, सब एक दूसरे के प्रति अपशब्द बोलते हैं और सब एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से लाछन भी लगाते हैं। अगर मैं इस काम में लग गया तो फिर कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग जाएगा बीजेपी। अभय चौटाला ने इसके अलावा देवीलाल की जयंती पर लोगों को न्योता दिया तो दूसरी तरफ इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यूपी से शिशपाल यादव और जम्मू कश्मीर से फारूख अब्दुल्ला सद्भावना सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे।
वहीं हरियाणा की लाखों की तादाद में जनता भाग लेगी, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक होगी। योगेश कुमार, गुरुग्राम, समाचार एक्सप्रेस।